ये एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो की हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जीवन धारा। कार्यक्रम जीवन धारा सुनने वालों को मैं स्मिता और मैं अमित, हमारा प्यार भरा नमस्कार। एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो की हिंदी सेवा में हम आपका स्वागत करते हैं। श्रोताओं, आइए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। आज होगी पहले स्वास्थ्य चर्चा, इसके बाद एक गीत होगा और फिर कार्यक्रम के अंत में पवित्र बाइबल का संदेश। तो चलिए स्वास्थ्य चर्चा सुनने से पहले सुनते हैं ये गीत। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान, जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान, नजर आता है मुझे ऐ मसीह, नजर आता है मुझे ऐ मसीह, सारे संतों के बीच में तू, सारे संतों के बीच में तू, हम करूं तेरी ऐ मसीह अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, ही है नरगिस खास शारों का, हाँ तू तो संधी वादियों का, तू ही है नरगिस खास शारों का, हाँ तू तो संधी वादियों का, संतों में तू है अति पवित्र, संतों में तू है अति पवित्र, कैसा कामिल और शान से भरा, कैसा कामिल और शान से भरा, हम करूं तेरी ऐ मसीह अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में, इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में, तंगी मुसीबत और बदनामी में, तंगी मुसीबत और बदनामी में, बना खुशबूदार तेरे समान, बना खुशबूदार तेरे समान, हम करूं तेरी ऐ मसीह अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, घबराहट की लहरों से गर डूबूं दुख के सागर में, घबराहट की लहरों से गर डूबूं दुख के सागर में, अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, मुझे अपने सीने से लगा, मुझे अपने सीने से लगा, हम करूं तेरी ऐ मसीह अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं,
भी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी। अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी। ताकि दे दूँ मैं काम को अंजाम, ताकि दे दूँ मैं काम को अंजाम। पाऊँ तेरे दीदार का इनाम, पाऊँ तेरे दीदार का इनाम। हम करूँ तेरी ऐ मसीह अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में। गाऊँ शुक्र गुजारी से मैं, गाऊँ शुक्र गुजारी से मैं। हम्द करूँ तेरी ऐ मसीह अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में। गाऊँ शुक्र गुजारी से मैं, गाऊँ शुक्र गुजारी से मैं, गाऊँ शुक्र गुजारी से मैं। बच्चों की परवरिश में माता पिता की भूमिका उस किसान की तरह होती है जो बीज के फलने फूलने के लिए सही माहौल तैयार करता है, उसकी खाद पानी की जरूरतों को पूरा करता है। पेरेंट्स यह तो चाहते हैं कि उनका लाडला लाडली अच्छे इंसान बने, लेकिन यह भूल जाते हैं कि इसकी नींव उन्हें ही रखनी है अपने परवरिश के तरीके से। अगर आप भी अपने बच्चों में अच्छे संस्कार व मूल्य डालना चाहे हैं, तो उसे तनाव मुक्त व सकारात्मक माहौल दे, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि उसे किसी बंधन में बनने के बजाय अपने तरीके से आगे बढ़ने दे। बच्चों को आत्मनिर्भर बनाए ताकि बड़ा होकर वो अकेला ही दुनिया का सामना कर सके। उसे आपका हाथ थामने की जरूरत न पड़े, लेकिन यह बातें कहने में जितनी आसान लगती है, इन पर अमल करना उतनी ही मुश्किल है। चलिए हम आपको बताते हैं किस तरह आप बच्चों की परवरिश के मुश्किल काम को आसान बना सकता है। आइए प्यार से समझाइए। बच्चों के नकारे दिखाने या किसी चीज के लिए जिद करने पर आमतौर पर माता पिता डांटते फटकारते हैं, लेकिन इसका बच्चों पर उल्टा ही असर होता है। आप जोर से चिल्लाते हैं तो बच्चा भी तेज आवाज में रोने व चीखने चिल्लाने लगता है। ऐसे में आपका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है, लेकिन इस स्थिति में गुस्से से काम बिगड़ सकता है। अंत शांत दिमाग से बच्चों को समझाने की कोशिश करें कि वो जो कर रहा है वो गलत है। कहें ना, बच्चों से प्यार करने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप उसकी हर गैर जरूरी मांगे पूरी करें। यदि आप चाहते हैं कि आगे चलकर आपका बच्चा अनुशासित बने, तो अभी से उनकी गलत काम मांगों को मानना छोड़ दे। बच्चों की खूबियों को पहचाने। हर बच्चा अपने आप में अलग और अनोखा होता है। हो सकता है आपके पड़ोसी का बच्चा पढ़ाई लिखाई में अव्वल हो और आपका बच्चा खेलकूद में। ऐसे में कम नंबर लाने पर उसकी तुलना दूसरे बच्चों से करके उसका आत्मविश्वास कमजोर न करे, बल्कि खेल में मेडल जीत कर लाने पर उसकी प्रशंसा करे। मर्जी से लेने दे फैसला। माना बच्चों को सही गलत का फर्क समझाना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप उसे अपनी मर्जी से कोई फैसला न लेने दें। ऐसा करके आप उसकी निर्णय की क्षमता को कमजोर कर रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि भविष्य में आपका बच्चा अपने फैसले खुद लेने में सक्षम बने, तो अभी से कुछ छोटे मोटे फैसले उसे खुद लेने दे। खुद में लाइए बदलाव। यदि आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहते हैं, तो पहले अपनी बुरी आदतों को बदले, क्योंकि बच्चा वही करता है जो अपने आसपास देखता है। यदि वो अपने माता पिता को झगड़ते देखता है,
उसका व्यवहार भी झगड़ालू और नकारात्मक हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी बुरी आदतों को त्याग दें। सकारात्मक बात करें। माता पिता जो भी कहते हैं उसका बच्चों पर गहरा असर होता है। अपने बच्चों से कुछ भी कहते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपकी बातों का उस पर सकारात्मक असर हो, वो निडर होकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो और सोच समझकर किसी भी चीज का चुनाव करे। आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो का जीवन धारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। यदि आप पत्राचार द्वारा यीशु के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर या फिर स्वास्थ्य विषय पर अध्ययन करना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। हमारा पता है वॉइस ऑफ प्रोफेसी, 11 हेली रोड, नई दिल्ली 110001, इंडिया। तो आइए पवित्र बाइबल से आत्मिक संदेश सुनने से पहले और एक गीत सुनते हैं। उदावन तेरी सनाबो, उदावन तुले चलाल, शहनशाह मसीहा, खातमुल कमाल, जलाल 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 जलाल, तेरा है जलाल, जलाल 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 जलाल, तेरा है उदावन तुले चला, शहनशाह मसीहा, खातम मुल्क कमाल, जलाल 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 जलाल, तेरा है जलाल, जलाल 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 जलाल, तेरा है जलाल। जिंदा खुदा के चरणों में आके चैन अजब पाया, पाक खुदा के रूह से हमने जीवन नया पाया, जिंदा खुदा के चरणों में आके चैन अजब पाया, पाक खुदा के रूह से जीवन नया पाया, जलाल 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 जलाल, तेरा है जलाल, जलाल 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 जलाल, तेरा है जलाल। अलशदाई भी तू, अदोनाई भी तू, तू यहोवा है ले तू जलाल, अलशदाई भी तू, अदोनाई भी तू, तू यहोवा है ले तू जलाल, जलाल 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 जलाल, तेरा है जलाल, जलाल 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 जलाल, तेरा है जलाल। इज्जत अजमत और परस्तिश तुझको ही मिलते रहे, शौकत हशमत और बुजुर्गी तुझको ही देते रहे,
सत असमत और परस्तिश तुझको ही मिलते रहे। शौकत हशमत और बुजुर्गी तुझको ही देते रहे। जलाल 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 तेरा है जलाल। जलाल 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 तेरा है जलाल। अलशदाई भी तू अदोनाई भी तू, तू यहोवा है दे तू जलाल। अलशदाई भी तू अदोनाई भी तू, तू यहोवा है दे तू जलाल। जलाल 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 तेरा है जलाल। तुझ में सकून खुदा लिपटे तुझसे चाहे तुझको पाक गयूर खुदा। आंसू भरी जीवन की राहें तुझ में सकून खुदा लिपटे तुझसे चाहे तुझको पाक गयूर खुदा। जलाल 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 तेरा है जलाल। जलाल 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 तेरा है जलाल। अलशदाई भी तू अदोनाई भी तू, तू यहोवा है ले तू जलाल। अलशदाई भी तू अदोनाई भी तू, तू यहोवा है ले तू जलाल। जलाल 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 तेरा है जलाल। जलाल 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 तेरा है जलाल। प्रिय रेडियो मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको भाई मॉरिस माधो का नमस्कार। मित्रों, हम आज बात करेंगे चिंता के बारे में। चिंताएं तब भी आप पर हावी होती है जब आप दूसरों के साथ अपने आप को मिलान करने की कोशिश करते हैं। वो तो बहुत खूबसूरत है, मैं क्यों नहीं हूं, उसने तो बड़ा पद पा लिया है, मुझे क्यों नहीं मिला, या उसका बड़ा घर है, मेरे पास क्यों नहीं, इत्यादि। ऐसी चिंताएं अक्सर मनुष्य को अंदर ही अंदर खाए जाती है। अक्सर वे लोग जो ज्यादा पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी होते हैं अपने को युवा दिखना ज्यादा पसंद करते हैं, और इसके लिए वे ना जाने क्या क्या काम करने में भी नहीं हिचकते। वो सोचते हैं कि उनके जैसा दूसरा कोई नहीं होना चाहिए। परमेश्वर ने आपको जैसा बनाया है उसी को स्वीकार करें। अपने को अच्छा दिखाने के लिए फिजूल की ना तो भाग दौड़ करे, ना ही चिंता करे। बाइबल कहती है हमें साहस नहीं कि हम आपको अपने आप को उनमें से ऐसे कुछ के साथ गिने या उनसे अपने को मिलाए जो अपनी प्रशंसा आप करते हैं, और अपने आप को आपस में नाप तौल कर एक दूसरे से मिलान करके मूर्ख ठहरते हैं। दूसरा क्रंथियो 10 उसका 12 वचन, आप कुछ भी कहें कैसे भी हैं, अपने को दूसरों से मिलान ना करें परंतु परमेश्वर का
धन्यवाद दे और उसकी प्रशंसा करे कि उसने आपको वैसा ही बनाया है जैसे आप हैं। उससे प्रार्थना करें, आपका व्यक्तित्व उसकी महिमा करने के काम आ सके इस धरती पर और इस जीवन में। परमेश्वर की महिमा करना ही हर इंसान का कर्तव्य है। इस जीवन में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें आप बदल सकते हैं, कुछ को नहीं बदल सकते। उदाहरण के लिए, आप अपने व्यक्तित्व को तो बदल सकते हैं, परंतु अपनी उम्र में ना तो एक मिनट घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं। तो फिर चिंता किस बात की, जब हम अपनी योग्यता, काबिलियत और बल से किसी चीज को ना तो घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं। तो फिर उसके लिए चिंता करने से क्या फायदा। प्रभु यीशु मसीह हमें शिक्षा देता है, तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। वचन में ये भी लिखा कि इस बात की भी चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। आज हम अपनी सारी चिंताओं को ताक पर रखकर इन्हीं तीन विषयों पर सबसे ज्यादा चिंता करते हैं। बड़े बड़े घरों में रहना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना और बढ़िया बढ़िया लजीज खाना खाना ही मनुष्य के जीवन का खास उद्देश्य बन गया है। इन तीनों चीजों के लिए वो जीवन भर चिंता करता है, जी तोड़ मेहनत करता है कि हम जो विश्वासी कहलाते हैं लोगों को चिंता ना करने का उपदेश देते हैं, हम भी इन्हीं चीजों के लिए बिल्कुल भी चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी चिंता करने वाला हमारा जिंदा परमेश्वर है। वो जंगली सूसरों की चिंता कर सकता है तो फिर हमारी चिंता क्यों ना करेगा। हमें इन विषयों पर चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और ना ही अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से, शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है? मत्ती 6:25 वचन यह दर्शाता है कि परमेश्वर धरती पर रहने वाले हर इंसान की चिंता करता है कि उसे क्या चाहिए। जब उसने सर्वप्रथम आदम और हवा को बनाया तो उसने उनके खाने पीने के लिए अदन की पाटिका बनाई जिसमें मीठे मीठे फलों के पेड़ लगे थे। जब मूसा इसराइलियों को मिस्र की गुलामी से बाहर निकाल लाया तो उन्हें प्रतिज्ञाबद्ध देश में पहुंचने के लिए 40 सालों तक जंगल की यात्रा करनी पड़ी, तब कहीं जाकर उन्हें वहां पहुंचना था। इन लंबे सालों में उन्हें खाने पीने की भी जरूरत थी, परंतु वहां भी परमेश्वर ने उनके खाने पीने का इंतजाम किया और उन्हें हर रोज खाने को भोजन दिया। खाने की कमी के कारण हो सकता था कि वे मर जाते, परंतु ऐसा नहीं हुआ। विश्वास करिए, जब तक आप इस धरती पर हैं, प्रभु आपके खाने के लिए भोजन देता रहेगा। आपको भूखे पेट रहने की आवश्यकता नहीं है, ना ही चिंता करने की आवश्यकता, क्योंकि प्रभु आपकी आवश्यकताओं को जानता है। मेरे मित्रों, क्या आप अपनी आवश्यकताओं को जानते हैं? तो परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर से कहें, प्रभु
मेरी ये आवश्यकता है। परमेश्वर आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेगा और आप अपनी चिंताओं को प्रभु पर डालें, जो आपके जीवन को बड़े करीब से देखता है। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित दयालु पिता परमेश्वर, हम आज तेरे पास आते हैं प्रभु अपनी तमाम कमी और घटियों के साथ। अपनी आवश्यकताओं को प्रभु हम आज तेरे चरणों में लाते हैं। हमारे साथ हो प्रभु, और परमेश्वर पिता हमें ऐसा बना कि हम दिन प्रतिदिन तुझे पुकार सके और तुझ पर निर्भर हो सके। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आप हमें इस नंबर पर कभी भी किसी भी समय फोन कर सकते हैं, अपने विचारों को बता सकते हैं, अपने बीमारियों के लिए प्रार्थना करवा सकते हैं और प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है 9689231702, 9689231702। मेरी ईमेल आईडी है morrisawr@gmail.com, morrisawr@gmail.com। आप हमारे कार्यक्रम को ऑनलाइन में भी सुन सकते हैं। हमारा पता है AWR हिंदी एशिया। इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। परमेश्वर आपके साथ हो। अलशदाई भी तू, अदोनाई भी तू, तू यहोवा है ले तू जलाल, जलाल 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 तेरा है जलाल, जलाल 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 तेरा है जलाल। श्रोताओ, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। यदि आपका कोई प्रश्न या सुझाव हो तो हमें अवश्य लिखिए। हमें आपके पत्रों का इंतजार रहेगा। हमारा पता है कार्यक्रम जीवन धारा, एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो, पोस्ट बॉक्स 17, पुणे 411001, महाराष्ट्र, इंडिया। पता एक बार फिर नोट कर ले। कार्यक्रम जीवन धारा, एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो, पोस्ट बॉक्स 17, पुणे 411001, महाराष्ट्र, इंडिया। और अब हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है। इसी समय इसी मीटर बैंड पर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए मैं स्मिता और मैं अमित, हमें आज्ञा दीजिए। प्रभु आपको आशीष दे।